सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड जो स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स 2030 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे हम बीएससी नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स 2030 का हम वाउचर्स देखने वाले हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें हम जो देखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन आवेदन आप कब से कब तक भर सकते हैं। तो ये 2 मई से 5 मई के 25 मई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, और 1 जून से इसके जो है एडमिट कार्ड जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे। और इसकी जो डेट है यहाँ पे, अभी जो है 11 जून संडे को यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की तरफ से घोषित की गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ देखिए, नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा हेतु मानकों को भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा जैसा कि समय समय पर प्रकाशित होंगे किया जाएगा। बीएससी नर्सिंग कार्यक्रम के संशोधित नियम एवं पाठ्यक्रम विनिमय 2020 भारत सरकार के राजपत्र संख्या 275 दिनांक 5 जुलाई 2021 के अनुपालन में राज्य के समस्त राजकीय एवं निजी बीएससी नर्सिंग संस्थानों की 100% सीटों पर प्रवेश की कार्रवाई यूनिवर्सिटी द्वारा ही की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फीस की बात कर लेते, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 रुपये, ठीक है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 2000 और अदर कैटेगरी के लिए 1500 रुपये यहाँ पे जो है फॉर्म की फीस यहाँ पे रखी गई है। और अगर आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसमें आप 200 रुपये पे करके अपना यहाँ पे ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार आवेदन करने के पश्चात कैटेगरी या सब कैटेगरी की में जो है आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको जो फॉर्म भरेंगे आप इसको अच्छे से भरेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि जो है बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2030 के आवेदन पत्र में दी गई कोई भी सूचना यदि गलत पाई जाती है अभ्यर्थी के, तो अभ्यर्थी का उसका अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जाएगा, ठीक है। जो अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है फिर भी वे प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं, तो उक्त परिस्थिति में वे किसी प्रकार के प्रवेश के दावेदार नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल हैं। एज की बात कर लेते हैं, तो एज 17 से 35 साल यहाँ पे होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और शैक्षिक अर्हताएँ जो एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपका 10+2 टेंथ या ट्वेल्थ उत्तराखंड से होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से आपका उत्तराखंड से होना चाहिए, या फिर आप जो है उत्तराखंड के जो है स्थायी निवासी नहीं है लेकिन आपका उत्तराखंड से 10th या 12th कंप्लीट हुआ है, या फिर आप जो है उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन आपने 10th या 12th उत्तराखंड से बाहर किया है, उत्तराखंड के बाहर किसी दूसरे स्टेट से किया है लेकिन आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है। और जो अपियरिंग है इंटरमीडिएट जो अब +2 में है जिनका भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, 12th वाले रिजल्ट अपियरिंग में है या अपियरिंग अभी उनके जो है पेपर हो चुके हैं और रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो वे भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है। बाकी जो है यहाँ पे जो आशा कार्यकर्ता है उनको 15%, जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो 15% का जो है उनका वेटेज दिया जाएगा 15% का, लेकिन उनको जब फॉर्म भरेंगे तो उनको वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा, यानी जिन्होंने आशा का जो है कोर्स किया हुआ है वो आशा हैं और वे जो है बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा वहाँ पे जब फॉर्म भरेंगे तो आशा का जो है उन्होंने आशा कार्यकर्ता का उनको अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा, वहाँ पर अपलोड करना होगा, तभी उनको 15% जो है वहाँ पर वेटेज उनको वहाँ पे जो है दिया जाएगा, ठीक है। बाकी सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 5 टॉपिक्स में आपका सिलेबस डिवाइड रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। 100 क्वेश्चंस का पेपर
पेपर है और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। INC के अकॉर्डिंग 50% परसेंटाइल आपको लाना ज़रूरी है, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम सेंटर्स दिए गए हैं और बाकी कुछ अदर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। जल्दी ही हम यहाँ पे पूरे फॉर्म के प्रोसेस देखेंगे, कैसे आपको पूरा फॉर्म फिल करना है।